हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शादेब और आप लोग देख रहे हैं शादेब एग्रीकल्चर एक्सपर्ट चैनल। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर बिटरगार्ड्स वाले एकर के कुछ मुतालिक टॉपिक्स के बारे में बताया था, लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि आज की जो वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि झोंपड़ी वाला किस तरीके से लगता है। तो जिसने इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि झोंपड़ी वाला करेला किस तरीके से लगाया जाता है और इसकी फार्मिंग का सिस्टम कौन सा है, इसको जो हम तोड़ते हैं करेला वो किस तरीके से होता है, और इसकी कट्टे की जो बड़ाई है वो भी इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि मतलब ये जो इसमें हमें फ़ायदा होता है या नुकसान, जो टनल सिस्टम में जो करेला हम लगाते हैं उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है या इस जो करेला है इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि जो झोंपड़ी वाला टाइप करेला है ये किस तरीके से लगाया जाता है और किस तरीके से इसको पूरा सिस्टम होता है। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, ये हम अभी ये जो झोंपड़ी टाइप जो करेला लगता है उस एकड़ में आ चुके हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा ये जो झोंपड़ी के अंदर अभी करेले लगे हुए हैं और ये जो पूरी जो इसकी खाली जा रही है पानी वाली, इसके साथ साथ ही इसकी बेल जा रही है और आप लोग देख सकते हैं ये कुछ, क्योंकि ये करेले जो है वो हाइब्रिड बेलें हैं। हाइब्रिड बेलें इसलिए वो मतलब बहुत ज़्यादा फैलती हैं, बहुत ज़्यादा इन घनी हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा इंसान को देती हैं, कि मतलब बहुत ज़्यादा माल लगता है इनको। और दोस्तों, ये भी अभी लकड़ियाँ भी लगी हुई हैं और जाल पे बेलें पूरे तरीके से अभी चढ़ चुकी हैं ये जो झोंपड़ी टाइप करेला है। तो दोस्तों, इससे सबसे पहले हम लोग एक फ़ायदे की बात कर लें। दोस्तों, सबसे इसका पहला फ़ायदा ये है कि दोस्तों इसमें हमारा खर्च बहुत कम आता है, क्योंकि दोस्तों एक जो जो ये जो हम लकड़ियाँ लगाते हैं दोस्तों, ये भी बहुत महंगी मिलती हैं, क्योंकि एक एकड़ के अंदर 576 मतलब 600 के करीब लकड़ियाँ तो लगेंगी ही एकड़ में। और दोस्तों, इसके साथ बात करते चले इसके फ़ायदे की, मतलब ये जो लकड़ियाँ हैं इसमें वो बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि वो जो डबल साइड वाला करेला होता है ना, कि मतलब डबल साइड ही लकड़ियाँ लगेंगी और डबल साइड ही जाल लगेगा, लेकिन इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है। दोनों साइडों पर जाल ज़रूर लगा हुआ है, लेकिन लकड़ियाँ बीच में, लकड़ी जो है वो बीच में ही लगी हुई है, दोनों साइडों पे जाल लगा हुआ है। वो इस वजह से कि मतलब उन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं होती और लकड़ियाँ भी इधर बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं, इस वजह से लकड़ियाँ जो कुछ जो हैं कि वो कम लगाते हैं और फ़ायदा ज़्यादा लेते हैं। और दोस्तों, इसका पहला दोस्तों, अगर ये जो बेलें हम लगाते हैं इसके ऊपर अगर छांव कर दी जाए दोस्तों, अगर इनके बीच में अगर जाल लगा दिया जाए, तो दोस्तों ये बेलें जो हैं वो सूखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इनको धूप बहुत ज़रूरी है इनके लिए। और दोस्तों, इनके बीच में बात करते चलें कि मतलब इसकी मतलब तराई जो है वो करेले की जो वो किस तरीके से होती है, दोस्तों ये मैं बताता चलूँ कि दोस्तों इसके अंदर जो है वो करेला जो है वो मज़दूर जो है वो बहुत ख़राब करते हैं, करेला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उस वजह से ये जो करेला अंदर लगता है तो दोस्तों उसकी पैदावार सही नहीं आती। दोस्तों, अंदर से तो वो लटक रहा होता है, लेकिन जब मज़दूर जो लोग हैं दोस्तों इसके बीच में बीच में कोई भी मज़दूर नहीं जा सकता, क्योंकि ये घनी बहुत है बेलें। तो दोस्तों, कुछ जो हैं वो बेलें वो बाहर से सूख भी गई हैं। और दोस्तों, इसके अंदर का जो करेला है इसकी बात करते चल रहे टाइम थोड़ा, इसलिए दोस्तों इसके अंदर जो करेला है वो उसकी बात करते चले कि मतलब वो जो मज़दूर जब बाहर से तोड़ते हैं तो दोस्तों उसको बहुत नुकसान आता है, उसको बहुत नुकसान होता है क्योंकि बेलों के ऊपर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के लिए शुक्रिया, थैंक यू।